अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उनिका मोहम्मद और आज मैं मौजूद हूँ यासीनाबाद पर, जहाँ पे द फोर एलिमेंट के नाम से कुछ लड़के जो है काउंटर पे फनल केक बेच रहे हैं। ये फनल केक कैसा होता है और किस तरीके से तैयार होता है, आइए जानते हैं। मैंने ए लेवल्स ग्रेजुएट किया है और अब मैं गैप ईयर पे हूँ और इस गैप ईयर में जो है मैंने ये स्टार्टअप शुरू करा है अपना। मैं जो है वो US गया था वेकेशंस पे, तो वहाँ पे मैंने कार्निवल में ये चीज़ खाई थी, अच्छी प्राइस में भी थी और टेस्ट में भी काफ़ी अच्छी थी। तो मैंने जब यहाँ पे आया मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी कि यार कहीं फनल केक मिल जाए मैं खाऊँ। इस पर्सपेक्टिव से नहीं कि मुझे खोलना है, इस पर्सपेक्टिव से ये बस मुझे खाना है। तो मुझे नहीं मिला फनल केक, हार्डली नॉट दैट आई नो कि यहाँ पे कोई बेचता है। ये जो है वो अंडे दूध और मैदे का बैटर होता है और इस पे इसको हम जो है ना बिल्कुल हॉट ऑयल में पोर करते हैं। तो ऑयल जो है वो इतना गर्म होता है कि 30-45 seconds के अंदर ये तैयार हो जाता है। इसके ऊपर इसके बाद जो है हम इसको अपने बॉक्स में निकालते हैं ड्रेन करके ऑयल, और उसके बाद हम इस पे जो है ना वो चॉकलेट स्प्रेड लगाते हैं। ये चॉकलेट स्प्रेड जो है वो हम खुद बनाते हैं अपने घर पर। ये बेसिकली हेज़लनट स्प्रेड है, डिफरेंट स्प्रेड्स को मिला के, हेज़लनट ऑयल को मिला के हम लोग ये स्प्रेड बनाते हैं अपने घर पर। जो है वो आइसक्रीम के हिसाब से डिफ्रेंशिएट हुई हुई है। हमारा जो अर्थ है वो 180 से शुरू होता है जो सबसे लोएस्ट है, और उसके बाद हमारा वाटर है जो 200 का है, उसके बाद एयर है जो 230 का है, एंड उसके बाद लास्ट में फायर है जो 250 का। हम लोग जो है वो मेन यासीनाबाद पे लोकेटेड है। जब आप गुलशन से मुक्का चौक की तरफ जा रहे होते हैं तो कम्फर्ट्स अपार्टमेंट के बाद गुलशन शमीम की पट्टी शुरू होती है, उधर ही जो है हमारा गुलशन शमीम कमर्शियल 4 के ऑपोजिट रोड पर हमारा गार्ड है। मैंने फूड इंडस्ट्री को कोई अराउंड 2 साल एक्सप्लोर किया है, जिसमें मैं जो है वो मीठा भी खाया है, जिसमें मैंने मीठा सेल भी किया है। ठीक है, मेरे हिसाब से कराची से ज़्यादा खाने वाली आवाम कहीं नहीं, बीट डेजर्ट बीट सेवरी। जी तो नाज़रीन, ये थे वासिफ जो कि बता रहे थे कि फनल केक किस तरीके से बना रहे हैं और कैसे इनको आइडिया आया ये बनाने का। अब ये फनल केक इनका मेरे पास अर्थ फ्लेवर का मौजूद है, इसको ट्राई करते हैं ये है कैसा। अच्छा, इसके ऊपर चॉकलेट की जो है वो आइसक्रीम जो है वो चॉकलेट फ्लेवर की है, और फिर फनल केक तो उन्होंने बताया था किस तरीके का बना हुआ है। बेहतरीन, बहुत आला, मतलब कि शानदार। इसका जो फनल केक जो है वो बड़ा क्रिस्पी सा है और बिल्कुल सॉफ्ट सा है, अगर आप उसको मुँह में डालेंगे तो वो वैसे ही घुल रहा है, और फिर चॉकलेट आइसक्रीम तो क्या बात है। फिर उसके ऊपर इन्होंने जो टॉपिंग करी हुई है वो भी बड़ी अमेजिंग है। और दिल नहीं कर रहा आपसे बात करने का, कि दिल तो कर रहा बस खाता रहूँ। एक बाइट और लेते हैं फिर आपको बताते हैं। अच्छा, ये डेजर्ट जो है ना वो कुछ ऐसा है जैसे कि आप कोई महंगे तरीन डेजर्ट खाते हो या मीठे खाते हो, जो महंगा तरीन हो उस किस्म का इसका टेस्ट है। मतलब कि कोई ऐसा नहीं है कि नॉर्मली कहीं आप ठेले वगैरह पे से कुछ खा रहे हो लेके तो वैसा हो। जब आप ये आके खाएंगे, खुद एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये वाकई में ही कोई चीज़ है और बहुत यूनिक चीज़ बन रही है। और आई गेस मेरा नहीं ख्याल कराची में ये इस किस्म का फनल केक कोई और बना रहा है, ये वाहिद हैं जो फनल केक ऐसा बना रहे हैं, और आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, आके खाना चाहिए, क्योंकि मुझे तो बड़ा अमेजिंग लग रहा है। बाकी आप लोग भी आके ट्राई करें और देखें किस तरीके से बना रहे हैं। जब तक मैं अपना ये फनल केक ख़त्म करता हूँ।